हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं एनपीपी ऑन मिक्स ज्ञान चैनल। तो इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनने के लिए प्लस हारमोनियम सीखने के लिए, गिटार सीखने के लिए और फ्लूट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी वहाँ पर मुझसे आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आपको थंबल देख के पता लग गया हो कौन सा गाना हम सीखने वाले हैं। तो ये जो गाना है केसरी मूवी का है पे माई। तो गाना जो प्ले करेंगे वो सी मेजर प्ले करेंगे। अगर आपको मेजर माइनर की जानकारी नहीं है, सात कौन से होते हैं, फ्लैट कौन से होते हैं, कोमल कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं, सुरों के बारे में जानकारी नहीं है, बेसिक बिल्कुल आपका क्लियर नहीं है, तो बेसिक के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर के देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। आप जो ऊपर आई बटन क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं और सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल बिगनर है, जिनको कुछ नहीं आता है, उनके लिए काफी बहुत बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। जाकर के जरूर देख लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में। चलिए दोस्तों, तो गाने को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में जो चलता है, कैसे चलता है, जो बेस चलती है पीछे, ठीक है, तो किस टाइप से चलती है वो, कैसे चलती है। फिर उसके बाद चलता है कैसे, फिर उसके बाद यहां से, तो यहां से जो गाना स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पता नहीं है शुरू के बारे में तो आपको बता देता हूं। तो देखिए, आपको कोई भी गाना जैसे आप यहां से सीख रहे हैं अभी सी मेजर से, सपोज दैट आपने सी मेजर से गाना सीख लिया है, तो लेकिन आप कब तक रटते रहेंगे, आपको कभी ना कभी तो खुद से गाना निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए बेसिक जरूर क्लियर करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक क्लियर कर लीजिए, लिंक मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें जो सुर यूज हो रहे हैं कौन से, सारे शुद्ध स्वर यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, ठीक है। तो पीछे जो तीन स्वर यूज हो रहे हैं कौन से, ठीक है, वाले तीन स्वर भी यूज हो रहे हैं पीछे के, यानी कि उसी के हैं पीछे लो ऑक्टेव में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे हो रहा है यहां से, कैसे, और स्लो करते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकें और सीख सकें। एक बार और करते हैं थोड़ा स्लो, कैसे, फिर उसके बाद माही मैनू जो आगे वाली ट्यून आती, कैसे कैसे, स्लो करते हैं, शायद आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो फिर आगे आता है, ठीक है। तो ये जो गाना है वो ना दूसरे स्केल पे शुरू हो रहा था, लेकिन ओरिजिनल स्केल इसका दूसरा है। सपोज दैट आप किसी भी स्केल से बजाना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता कि भाई अलग अलग स्केल से कैसे बजाएं। मान लीजिए जैसे आप अपना गाना सीख जाते हैं सी मेजर पे, अगर आपको कह दिया जाए कि भाई गाना ये वाला जरा एफ शार्प मेजर पे बजा के दिखाइए, यहां से कैसे बजाओगे, मान लीजिए यहां से तो आपने बजा लिया, सपोज दैट आप यहां से कहा भाई यहां से जरा यहां से बजा के दिखा दो, ठीक है, एफ मेजर से,
इस तरीके से आप जो है किसी भी स्केल पे गाना बजा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी वाली ट्यून अभी हम बीच में कर रहे थे, कौन सा वाला अंतरा पकड़े हुए थे हम? ये वाला। कौन सा? यहां से था। कैसे? थोड़ा और स्लो करते हैं। एक बार और स्लो करते हैं। क्लियर? फिर आगे आता है। शायद समझ नहीं आया होगा, थोड़ा और स्लो करते हैं। फिर उसके बाद फिर से वे स्टार्ट हो जाता है, जो फर्स्ट वाला अंतर था। कौन सा? ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, कैसे? तो ये जो है ना, आप जो मैं यहां से बजा रहा हूं, आपको अगर थोड़ा लो लग रहा है तो आप थोड़ा ऊपर भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं। कैसे? कैसे था ये जो अगले वाला अंतरा आता है, दिल विच तेरे वाला जो आगे, ठीक है? कैसे था? मुझे लिरिक्स सही से याद नहीं है। ठीक है, तो कैसे था? थोड़ा स्लो करते हैं। थोड़ा और स्लो करते हैं। थोड़ा और स्लो करते हैं। फिर से आ जाता है। कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई मैं पहले तो यहां से बजा रहा था, यहां से कैसे बजा रहा हूं? सेम स्केल वही है, लेकिन मैंने थोड़ा हाई पिच में इसको पहुंचाया है। जो तीन सप्तक होते हैं ना, आपका होता है मंद सप्तक, तीव्र सप्तक, सॉरी जो आपका बीच में जो होता है वो आपका होता है मध्य सप्तक, जो लेफ्ट में होता है वो आता आपका होता है मंद सप्तक, और जो इधर होता है राइट में होता है तीव्र। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जो गाना प्ले कर सकते हैं खुद से, अगर आप कोई सा गाना जाना चाहते हैं तो जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप सीख सकते हैं कि खुद से आप गाना कैसे प्ले करें। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपसे मान लिया, यहां से आपने गाना सीख तो लिया है, अब आपको किसी दूसरे स्केल से यही गाना बजाना है, तो सेम कीज उतनी ही बार प्रेस करनी होती है, लेकिन स्केल चेंज करने का क्या मतलब है? स्केल चेंज करने का मतलब यह है कि आपको हर किसी बटन से सरगम आनी चाहिए, बेसिक क्लियर होगा तो ही सरगम आ पाएगी। कैसे? मान लिया हमारे पास जो 7 शुद्ध स्वर होते हैं, ठीक है, और उसमें होते हैं आपका टोटल मिला के जो 12 स्वर होते हैं, ठीक है, जिससे आपके 7 ही और 5 ही वाले,
ठीक है। तो 12 के 12 स्केल से आपको सरगम बजानी आनी चाहिए, तो ही आप एक गाना सीखने के बाद वो गाना किसी भी स्केल पर बजा सकते हैं, ये इसका बेसिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई पर्सनल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।